तो जो ये फील्ड सजाई गई है बैटिंग बॉलिंग करने के लिए, उसके अंपायर आप लोग हैं। और बताइएगा कि इस टीम में, ये दोनों टीमों में कौन विजेता है? क्योंकि एक दूसरे को रात्रि भर धोना है, एक दूसरे को रात्रि भर धोना है और धो धो के भिगोना है, क्योंकि सर्दी बहुत है। अब कौन जड़ाकर कौन जड़ाकर गिरता है और कौन अकड़ कर खड़ा होता है? आइए एक बहुत प्यारी धुन बजी, और जैसा कि माता रानी का दरबार भी सजा है, एक एक बहुत प्यारी धुन बजी। कौन सी धुन बजी भैया, बताइए बताइए कौन सी धुन बजी, इन्हें बता दीजिए। सुनिएगा राजवीर भैया जी, हाँ इन्हें बता दीजिए। फिल्म वालों ने कहा, क्या कहा? किस्सा जन तुमसे प्यार की लड़ाई में, जब मैया ने
भैया क्या के माँ से उसकी हुई तब लड़ाई, ये माँ की उससे हुई तब लड़ाई है, लहू पी गई वो मामी है, मामी है, लहू पी गई वो मामी है। राजवीर जी पहली बार, हाँ पहली बार रक्त बीज नाम का राक्षस था और जहाँ पर उसका रक्त गिरता था एक नया रक्त बीज तैयार होता था। क्या बात है। तब माँ ने उपाय सोचा कि ऐसे तो ये यही रक्त बीज उत्पन्न होते रहेंगे और इस तरह इसका हेलो 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 आवाज कम हो गई भैया। हेलो 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 आवाज कम हो गई। हेलो 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 इसका अंत नहीं होगा, अंत करना है इनका। हर बार एक रक्त बीज तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल सत्य वचन है। तो माँ ने चालाकी की, क्या करी, उसके शीश को काट कर उसके नीचे खप्पर लगा दिया, अपना कटोरा लगा दिया, तो सारा रक्त उस खप्पर में इकट्ठा हो गया और फिर पुनः कोई रक्त बीज नहीं तैयार हुआ, नहीं होगा। तो बात मेरी राजवीर जी छूट कर आई के माँ से उसकी हुई तब लड़ाई, लहू पी गई वो मामाई है, मामाई है, लहू पी गई वो मामाई है, लहू पी गई वो मामाई है, माथी
बिल्कुल अनमोल हो, फूलों की तरह हो।
जवाबी की ओर श्रीमती दीपमाला जी की ओर से गीत आया, एक गीत बजा कि साजन तुमसे उनके थे फिल्मी गीत में ऐसे कहा, लेकिन हमारी ओर से शब्द हैं ऐसे थे, हम बताएं हमारी ओर से हैं क्या। अरे जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में ध्यान दें, जाके मैं अकेला रजाई में, जाके मैं अकेला संजय सिंह राठौर जी ध्यान दीजिएगा कि जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में, जाकर मैं अकेला रजाई में, रजाई जाकर मैं अकेला। गीत कह रहा है क्या, कि रक्त बीज था असुर प्रबल, रक्त बीज था असुर प्रबल, वो मां से दिखलाया था वल, तुम मां से पार नहीं पाया, माने निकाला था कसवल, माने निकाला था कसवल, तो मां से उसकी हुई, तो मां से उसकी उस पे हुई तब लड़ाई है, लहू पी गई तब महामाई है, लहू पी गई है महामाई है, महामाई है, लहू पी गई है महामाई है, लहू पी गई है महामाई है। आप लहू पिला रही हैं चारों युगों में, तुम कब लाओ? हम पिलाएंगे नहीं, कब लाओ? हम छिपाएंगे। तुम चाय पिला दो। नहीं चाय नहीं, अभी हम छिपाएंगे। अब सुनिए कहा क्या, जवाब सुनिए। अच्छा चाय पिया दे भैया, कारीगर लोगों से कह दीजिएगा चाय पिलवा दीजिएगा। सुनिएगा, अपना जवाब नोट कीजिएगा। क्या बात है, कि काला पसीना काली का, तो इधर से भी पसीना बहा जा रहा है। कैसे? अब देखिए लहू और इधर पसीना है, सुनिएगा।
काला पसीना काली का कर सुर हे तू कंकाली का, तो शिव ने पसीना पी डाला आपकी तरफ लहू पिया रक्त बीज का, तो इधर भगवान शिव ने पसीना पिया माता काली का, मैया काली का सुनेगा। शिव ने पसीना पी डाला और माया महिम निराली का, माया महिम निराली का, तो ढाला उसको जैसे नगीने में, अरे ढाला उसको जैसे नगीने में, जीवन छिपा था उस पसीने में, पसीने में जीवन छिपा था उस पसीने में, पसीने में जीवन छिपा था उस पसीने में, पसीने में जीवन छिपा था उस पसीने में। चलते हैं त्रेता की ओर, क्योंकि आपने गिनाया राजवीर जी सत्ययुग त्रेता द्वापर कलियुग। आइएगा, त्रेता में भी पसीना कहीं पिया गया है, और सुनिए वो पसीना है क्या। गिरा कपि दर का पसीना था, और जो मछली को पीना था, तान के पक्षी जो खड़ा हुआ। एक बार हनुमान जब पाताल लोक में पहुंचे, तो वहां मकरध्वज सेना तान के खड़ा हो गया। हनुमान ने पूछा, ए तुम कौन हो? तो कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब कहा, हनुमान पुत्र, अरे ये कैसे हो गया? तब बताया और कहा कि गिरा कभी दर का पसीना था, जो मछली को पीना था, तो तान के पक्षी वो खड़ा हुआ, जो हनुमत का पसीना था, जो हनुमत का पसीना था, तो ज्योति जगाई मानो, तो ज्योति जगाई मानो आईने में, कि ज्योति जगाई मानो आईने में, दिखाई पड़ा सुत था पसीने में, पसीने दिखाई पड़ा था सुत पसीने में, पसीने में दिखाई पड़ा था सुत पसीने में, पसीने में दिखाई पड़ा था सुत पसीने में, पसीने में दिखाई पड़ा। अब कहो तो चार युगों से अंतर दे दे, और आपकी इच्छा हो तो यही छोड़ दे, यही छोड़ दे। चलिए, वैसे मेरे पास देखिए लिखा चारों मंत्रों में, बोलिएगा सच्चे दरबार की।